लेकिन इसमें जो काम है ना वो अपने मर्जी से नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। क्योंकि जो मेरे कपिल का मामा है अभी जो है ऊपर का जो कटिंग है पूरा रेडी हो चुका है और फिलहाल मैं टेबल कोट के लिए पूरा तैयार हो चुका है। और कल संजय ने टचअप मुझे घर किया था। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत मज़ेदार होने वाला है और हम लोग अभी साइट पे पहुंच चुके हैं और काम भी हमारा नीचे का जो है कटिंग वगैरह ख़त्म हो चुका है और डबल कोटिंग के लिए अभी आज हमको लगता है कि लमसम आज निकल ही जाएगा काम। थोड़ा बहुत जो बचेगा कल के लिए ख़त्म हो जाएगा। कल बृहस्पतिवार है, आज बुधवार। कल अगर काम फिनिश होता है तो हम लोग सैटरडे से यानी शनिवार से जो है सुरफा में काम करेंगे। वापस चलना पड़ रहा है सुरफा की तरफ क्योंकि वहाँ जहाँ से मैंने कल सब उठाया था, लकड़ी उठाया था, तो वहीं पर मोटर पड़ा हुआ है और दुकान वाले ने फ़ोन किया था क्योंकि वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा। आज मछली काम करने वाले थे प्रोफाइल का, लेकिन वहाँ पर अभी काम नहीं हो रहा है, आज बंद है काम। आज काम करने वाले थे मछली लेकिन आज वहाँ पर काम करने नहीं गए क्योंकि कल दो दिन से जो बारिश हो रहा है ना हल्का फुल्का, तो इसलिए काम बाहर का लोग बाहर का ही काम करते हैं। तो बारिश की वजह से बाकी साइड जो बंद था तभी वो काम निपटा नहीं था, इसलिए यहाँ पे नहीं वो लोग आए। मोटर आया लेने के लिए दुकान वाला, तो चलते हैं थोड़ा सा हेल्प करते हैं उसको मोटर लदवाने के लिए गाड़ी में। बस बस नहीं है काम आज? नहीं, काम थोड़ा बंद है भाई। मैं अभी पहुंच गया हूं सिकवान में, ऐसा और सिकवान के बीच में जो पेंट का दुकान है ब्लूटेक्स, तो वहां से मुझे लेना है एपॉक्सी पेंट। सुकवान में जो ब्लूटेक्स का दुकान है यहाँ पे हमको लेना है एक एपॉक्सी का पेंट और लेके जाना है फरतूत में। तो फिलहाल ले लेते हैं यहाँ से बाल्टी और निकलते हैं फरतूत के लिए। एपॉक्सी ना बहुत ही महंगा आ रहा है और फिलहाल एपॉक्सी हमने दो बाल्टी लिया, एक वाटर टैंक है जो ज़मीन में सऊदी ने बनवाया है उसको ही मारना है, तो एक बाल्टी में मुमकिन हो सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए दो बाल्टी लेना पड़ रहा है। और दो बाल्टी लिया, फिलहाल अभी कैश नहीं था। और उसके बाद जो स्वाइप मशीन है जो पैसा पे करने वाला, तो वो भी नहीं काम कर रहा है। बगल में ही एटीएम है साफ बैंक का, तो अभी चलते हैं वहीं पे और पैसा कैश करते हैं, फिर ले आके उनको पैड करते हैं। पैसा तो हमने निकाल लिया है लेकिन अपने इधर एटीएम से पैसा निकालना ना बहुत ही रिस्की है। हालांकि एटीएम तो मौजूद है, मिल जाता है एटीएम में पैसा, लेकिन रिस्क इसलिए है, मैंने गोरखपुर में एक बार पैसा विड्रॉल किया था जो ICICI बैंक से, तो मेरा वहाँ से मेरे एटीएम का एक क्लोन बना के 40,000 रुपया उसमें से निकाल लिया गया था, तो बहुत ही लॉस हुआ था। एक बार मैंने घर पे जाकर वही एटीएम एक ही बार इस्तेमाल किया हूँ, मेरे माँ का थोड़ा MRI कराना था, उसी में जो पैसा इस्तेमाल करने के लिए निकाला था। मान तो अभी हमने ले लिया है और निकलते हैं साइड के तरफ। पेंट उतार के फरतूत में आ गया हूँ महत्ता मरुआ पे और मुझे भरना है, थोड़ा पानी कम पड़ गया था, पानी ख़त्म हो गया था पीने वाला। ये है पेट्रोल पंप मरुआ का, महत्ता मरुआ इसको बोलते हैं। और ये आप अगर अरीसा से अगर जाते हैं सरोरा की तरफ, तो ये जो पेट्रोल पंप पड़ता है नजरान का लास्ट छोर पड़ता है, और इसके बाद जब अगर आप निकलेंगे तो खुबास होते हुए आपको सरोरा जाने को मिलेगा। सरोरा जो है यहाँ से 350 किलोमीटर पड़ जाता है और 350 किलोमीटर के बीच में मात्र एक ही पेट्रोल पंप जो रास्ते में मिलता है, तो यहाँ ज़्यादातर या तो यहीं पे पेट्रोल भर के और या तो आगे खुबास वाला जो है वो खुबास पे पेट्रोल पंप भर के पेट्रोल भर के आगे निकलते हैं। और मैं एक बार ही गया हूँ, जब से मैं नजरान में रहता हूँ एक ही बार गया था, तो हालांकि मैं एक बार टंकी फुल किया उधर जाके, फिर से दोबारा मुझे टंकी फुल करना पड़ा। और समझ लीजिए कि गाड़ी का तो एवरेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज देती है। तो खैर यही था महत्ता मरुआ, निकलते हैं अभी बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पर भी जो काम है लास्ट में आ गया है, लास्ट हो गया है यानी थोड़ा बहुत बचा है, यानी मिला जुला के 2-4 दिन का और काम बचा हुआ है। और सामान भी अंदर का शिफ्ट होने के लिए आ गया है, किचन का जो है रैक वगैरह,
और काम पूरा जोरों में, गाड़ी सब लोग अपना अपना गाड़ी लेके इधर पहुँचे हुए हैं अपना सामान काम करने के लिए सब कुछ। दूसरा फ्लोर है और यहाँ पे क्या हो गया है कि थोड़ा बहुत टचिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, कहीं पे भी अगर टचअप आ जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है पेंट का कि अगर दीवार थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम दिखता है ना, अगर उसको आप टचअप करते हैं तो पूरा दीवार को मारना पड़ता है। और ये जो है लाइन जो दिख रहा है एक क्रैक का था और इसी वजह से पूरा भी साइड से देखो ना तो पता चलता है कि हाँ कहाँ पे है लाइन। ऐसा ही प्रॉब्लम इस दीवार पे है, इस दीवार में बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें तीन जो क्रैक फटा हुआ था और इसमें प्रोफाइल बनने की वजह से इसका जो हाइट है बढ़ चुका है। अभी पेंट जब भी मारते हैं ग्लॉस की वजह से, चमकने की वजह से पूरा जो है उभर के सामने आ जाता है और ये सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, ये जो लाइन है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। जो भी कमी है सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको दोबारा से भी टचअप करेंगे, टचअप करके दोबारा, ये भी टचअप हुआ है थोड़ा अच्छे से नहीं हुआ है, दोबारा से टचअप करके फिर अच्छे से इसको निपटाएंगे और दीवार को पूरा मानना पड़ेगा। कहीं पे भी टचअप करके कहीं पे भी कोई काम नहीं पूरा हो रहा है और फ्लाइट भी अभी उड़ान भर चुका है। यह जो वाटर टैंक है जिसको हमें एपॉक्सी पेंट करना है, इसी के लिए अभी जो पेंट लेके आया हूँ 2 बाल्टी तो इसी के लिए लेके आया हूँ, इसके अंदर पेंट करना है। लेकिन ये जो एपॉक्सी पेंट होता है ना बहुत ही ज़्यादा गैस बनाता है, इसके अंदर मारना ना समझिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की और एक नशीला जैसे बोलते हैं ना कि नशा लगेगा उसमें, आँख में जलन होगा और देखते हैं कैसे काम होता है इसके अंदर का, पूरा टंकी मारना है। फरतूत में ही समय बहुत ज़्यादा हो गया और टाइम अभी 12 बज चुका है और खाना ले जाने का भी टाइम हो चुका है। तो इधर इंजीनियर भी आ गए थे मोहन्दी सोमर और बहुत ही अच्छे आदमी, लास्ट जगह पे पहुंच गया खाना लेके। और यहाँ पे भी एक तो सऊदी का पूरा दिमाग भी नहीं है क्योंकि इसने जो काम जो करवाया ना, एक बार आधा मीटर इसका जो मिट्टी डाला गया है और आधा मीटर समझिए पेंट का जो है ना पूरा चारों तरफ पर नुकसान हुआ है। अरे बोका चौदा है या क्या फालक ऐसे मार, इसका नाम दचियारा है और अभी फिलहाल में चारों तरफ बिल्डिंग का टाइल लग रहा है। क्या हाल है चाचा, कैसे हो? बढ़िया है। हूँ कपिल के मामा के घर पे और काम यहाँ पे गौतम और जमुना मात्र दो लोग कर रहे हैं क्योंकि काम ज़्यादा जगह पे होने की वजह से एक साथ में ज़्यादा आदमी नहीं रुक पा रहे हैं। ये दिखाता हूँ आपको अंदर का, यहाँ पे ऐसे दो घर है, दो डोर का इधर है और ये जो है सिंगल फ्लोर का है। तो यहाँ पे अभी केवल फ़िलहाल पुट्टी का काम चल रहा है। ये तीन कोट फाइनल हो गए जमुना? ये जिसम बोर्ड और पुट्टी, ये तो खैर फाइनल हो गया इसका, तीसरा कोर्स भी फाइनल है। अभी घसाई और एहसास वगैरह, जो एहसास प्राइमर वगैरह भी मारना है। लेकिन इसमें जो काम है ना वो अपने मर्जी से नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है क्योंकि जो मेरे कपिल का मामा है यहाँ का जो एयरपोर्ट का एक मुदीर है और पैसे वाला भी है, तो यहाँ पे जो भी काम होता है तो इंजीनियर से चेक करके होता है। और कोई भी काम पर पहले एक बार उसका काम करो, फिर चेक कराओ, फिर दोबारा काम करो, फिर चेक कराओ। जितनी बार काम यानी एक बार आप कोई भी काम कर लेते हैं तो पहले उसको चेक कराओ, वो चेक करेगा उसके बाद काम आगे बढ़ता है। वैसे काम कहीं पे भी करो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब पैसा निकालने की बात होती है ना तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जिनको फ़ोन करो, काम जब तक करते रहोगे तब तक यही होता है कि काम जैसे तुम्हारा ख़त्म होगा एक एक पाई मैं चुका दूंगा, लेकिन जैसे ही काम ख़त्म हो जाता है तो इंतज़ार होता है अगले महीने जब पगार आएगा तब पैसा मिलेगा। थोड़ा रुको, बाद में देता हूँ, कल देता हूँ, परसों देता हूँ, यानी टाइम पे टाइम, टाइम पे टाइम। पता नहीं वो जो सनी देओल का एक डायलॉग है ना, तारीख 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 तारीख, वैसा ही तारीख हम लोग को मिलता है। और फिलहाल पैसा तो खैर कहीं कहीं मिल जाता है, कहीं कहीं डूब ही जाता है और सऊदी फ़ोन उठाना बंद कर देता है, फिर अच्छा भी नहीं लगता दूसरे देश में आके ज़्यादा कुछ मैटर फंसाना या कुछ कानूनी कार्रवाई करना, क्योंकि भाई अजनबी देश में अलग देशों में आके अगर हम ये सब में फंस जाएंगे ना तो फिर घर जाना और बाकी भी काम में समझ लो कि नहीं आगे बढ़ सकते हैं। समझ फाइनल हो गया? सीढ़ी का कठिन वगैरह सब हो गया रेडी?
हाँ बड़ा वाला बाकी है ना बस। चलो ठीक है, फाइनली ये वाला जो घर है पूरा हो गया है फाइनल, और बाकी है जो बस सीढ़ी का, ये कठिन पड़ा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि ये इधर सिगाला नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है बड़ा वाला ताकि ऊपर तक पहुँच सकें। और जो बाकी पेंट है ये वाला सीढ़ी जो लास्ट फ्लोर पे यानी आखिरी में जाने के लिए। संजय वो क्रैक फटा हुआ है क्या? वो वाला क्रैक फटा हुआ लग रहा है ना, फूला है ना वो, फूला है वो, फूला है वो। ये पूरा तो लाइन दिख रहा है यार। निकलते हैं रूम के तरफ, और हो गया है फाइनल सब इधर से, तो कल आएंगे। बस वो सीढ़ी जो है जो छोटा मोटा जो काम बाकी है, टेप लगा हुआ है जो फ्रेम में दरवाजे के, वो सब निकालना है, उसके बाद हमारा जो काम है फिनिश हो जाएगा अंदर का, और बचेगा जो बाहर का बाउंड्री, क्योंकि शनिवार को जाना है कहीं और पे, उधर से निपटने के बाद फिर वापस आएंगे इधर। आ गए हैं अभी रूम पे, और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गया था, और अभी जो समय हो रहा है मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ नहा धो के, जो रात का 8 बज रहा है, और वहाँ पे क्या हो गया था कि जो कपिल का मामा का घर है वहाँ पे आया था इंजीनियर जो सऊदी है, और वो आया था तो समझ लो कि एक बोलते ना कि ये एक पढ़ के इंजीनियर बनते हैं, जो पढ़ाई का उनका समझ लो कि किताब में जो लिखावट लिखा हुआ चीज़ है वही रट्टू तोता बोलते हैं ना, कि रट्टू तोता हिसाब होता है, तो ऐसा वाला बात है। और जो आदमी काम करता है उसको एक्सपीरियंस होता है किसी भी चीज़ का, जो भी काम करता है आदमी उसको एक्सपीरियंस होते जाता है, कैसे काम अच्छा होता है कैसे बेकार होता है सब कुछ मालूम पड़ता है। तो ज़्यादातर अक्सर देखने को मिलता है जितने भी इंजीनियर हैं, अक्सर ऐसा होता है कि इतना भी आप बेहतर से बेहतर आप काम करें तो वहाँ पर जाकर उंगली ज़रूर करेंगे। यही हाल हुआ था आज का, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ पे पुट्टी हुआ था उसको मालूम ही नहीं कि कहाँ पे हुआ है कहाँ पे नहीं हुआ, ये भी नहीं मालूम है, उसको उंगली दिखा रहा है कि इधर बाकी है इधर काम अच्छा नहीं है ऐसा वैसा, उसको ये भी नहीं मालूम है पूरा। यानी आदमी जो काम करने वाला इंसान है ना, वो नज़र से देख ले, हाथ को अगर टच कर दे दीवार पे ना, तब भी उसको मालूम पड़ जाता है कि कितना कोट पुट्टी लगा हुआ है, कितना बाकी है काम, क्या क्या नहीं हुआ है, क्योंकि जो काम करता है उसको एक्सपीरियंस रहता है, वो देखता है तो मालूम पड़ जाता है। लेकिन इंजीनियर ने ना पूरा आज बोलते ना कि अभी क्या बताएगा, कि वो अपने आगे किसी को तो सुनता नहीं। इंसान बोलता है ना कि अभी कुछ गलती अगर निकाल रहे हो तो सामने वालों को भी तो समय दो, मौका दो, कम से कम वो भी तो बता सके कि हाँ गलती है नहीं है कैसा काम हो रहा है, लेकिन अपने आगे इंसान सुनने वाला नहीं है। तो किसी तरह से बस मूड उधर से ख़राब होके आए हम लोग रूम पे। खैर यहीं पे करते हैं वीडियो को ख़त्म, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।